सिराज मेहरा, आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर। सो आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर मेरे तरीके से सीखेंगे तो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक तो मुझे नॉलेज है, सबसे टफ है, जितने भी सेंटेंसेस है सबसे ज़्यादा टफ है इसे समझना। ठीक है, ठीक है। ऐसे काम जो आप डेली करते हैं, जो आपकी लाइफ में शामिल हों, जैसे डेली आप चाय पीते हैं, डेली आप मार्केट जाते हैं, डेली आप हिंदी बोलते हैं, डेली आप पंजाबी बोलते हैं, डेली आप खाना खाते हैं, डेली आप नहाते हैं, ऐसे काम जो हम डेली करते हैं, जो हमारी रूटीन लाइफ में शामिल होते हैं, हम उन्हें करते ही हैं। उन्हें क्या करना है? अपने आप को रखना और एक्शन को ज्यों का त्यों रख देना, वर्क को ज्यों का त्यों रख देना। जैसे मान लीजिए आप डेली सुबह उठते हैं, उठने को इंग्लिश में गेटअप या वेकअप बोलते हैं। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। फिर उठने के बाद आप क्या करते हैं? उठने के बाद मान लीजिए आप उठने के बाद आप ब्रश करते हैं। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। ऐसे काम जो आप डेली करते हैं। फिर ब्रश करने के बाद मुंह धोते हैं। आई स्प्लैश माई फेस, आई स्प्लैश माई फेस। स्प्लैश माई फेस मीन्स होता है मुंह पे पानी मारना। फिर उसके बाद आप टहलने जाते हैं सुबह। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फिर उसके बाद आप वापस आते हैं। आई कम बैक होम। फिर उसके बाद आप चाय पीते हैं। आई टेक टी। देखिए, ऐसे काम जो आप डेली करते हैं, अपने आप को रखना, वर्ब को ज्यों का त्यों रख देना, कोई आई एन जी कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आप नहाते हैं। आई टेक अ बाथ। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप कपड़े पहनते हैं। आई पुट ऑन क्लॉथ्स, आई पुट ऑन क्लॉथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने बाल काटते हैं। आई आई कॉम माई हेयर, आई कॉम माई हेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं। आई आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद आप रेडी होते हैं। आई गेट रेडी, तैयार होने को बोलते हैं रेडी, गेट रेडी। आई गेट रेडी फॉर, जिसके लिए भी तैयार होते हैं वो लिख देंगे आप। फिर उसके बाद आप क्लास अटेंड करते हैं, जहाँ आप काम पे जाते हैं, जो भी है। आई अटेंड द क्लास, आई अटेंड द क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं या इंग्लिश सीखते हैं। आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई लर्न स्पोकन इंग्लिश। फिर उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। आई कम बैक, आई कम बैक होम, आई कम बैक होम। तो सिंपल आपने समझना है कि ऐसे काम जो आप डेली करते हैं, अपने आप को रखना, वर्क को ज्यों का त्यों रख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम आप डेली करते हैं। अगर आप डेली चाय पीते हैं कैसे बताएंगे? आई टेक टी। अगर डेली लंच करते हैं तो आई टेक लंच, आई टेक लंच। इसका मतलब ये कि ये काम आप डेली करते हैं। ठीक है, तो गाइस, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी और रूटीन लाइफ की बात होगी, तो उसमें कुछ नहीं करना, अपने आप को रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये काम आप डेली करते हैं। ठीक है, अब अगर डेली आपकी लाइफ में शामिल है इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना, तो आई स्पीक हिंदी। अगर इंग्लिश बोलना आपकी लाइफ में शामिल है तो आई स्पीक इंग्लिश। अगर आपकी लाइफ में शामिल है डेली आप क्या कहते हैं? मार्केट जाते हैं तो आई गो टू मार्केट। अगर आप इवनिंग में टहलने जाते हैं तो आई गो फॉर अ इवनिंग वॉक।